पिताश्री बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है, जाओ सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। देवियो आनंद करो, आनंद करो देवियो। ये लो प्रणाम। नारायण नारायण, दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राता दक्ष, इस तेजस्विनी कन्या का नामकरण इसी समय हो जाना चाहिए। नामकरण इसी समय? हाँ, आज का ये दिन और ये समय अति पावन है। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। सती। धन्यवाद देवर्षि, आपने कन्या का नाम अति उत्तम बताया है। हमारी ये कन्या सती के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। हम इसी समय पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि प्रजापति दक्ष की कन्या सती ने जन्म लिया है। नारायण नारायण, दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। दक्ष कन्या सती की जय हो। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्विनी दिखती है, मन करता है इसे देखते ही रहें। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। आजकल आओ देखें कहाँ है। चलो चलो चलो। कौन? यही तो हम सब पूछना चाहती हैं सती, कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी, पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे दिखेगा। हाँ हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी नाक को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दें जो तेरे हृदय में बसी है। नहीं। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं माते। अरे कहीं नहीं सती। इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो, अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो
वो हमारी व्यापकता है, सर्व व्यापकता। शिव कैलाश में और शक्ति सती रूप में पृथ्वी पर दक्ष के घर, ये कैसी व्यापकता है प्रभु? जगत में सत्य की प्रतिष्ठा के निमित्त इस व्यापकता की आवश्यकता है प्रिय, कारण कि सत्य से कल्याणकारी अर्थात शिव रूप जन्म लेता है। इसका ज्ञान मुझे है प्रभु कि सत्य ही शिव का आधार है। हाँ प्रिय, सत्य और शिव से पुनः सुंदर की उत्पत्ति होती है, कारण कि सत्य कभी अशिव अथवा असुंदर नहीं होता। प्रभु ये ज्ञान भी मुझे है कि आपका सत्यम शिवम सुंदरम रूप ही जगत में व्याप्त है। इसका मूल आधार तो तुम ही हो देवी। मैं? यदि शक्ति न होती तो सत्य स्थिर न होता। शक्ति के कारण ही सत्य की रक्षा होती है, शिवम प्रशस्त होता है और सुंदरम व्यापक होता है। प्रभु आपने तो सत्यम शिवम सुंदरम का संपूर्ण श्रेय शक्ति को अर्थात मुझे ही दे डाला। सत्य भी यही है, सती या शक्ति से रहित शिव शून्य है। ये भी तो सत्य है प्रभु कि शिव से रहित शक्ति का अस्तित्व भी शून्य है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में सापेक्षिक संबंध है। स्थिति ऐसी है तो फिर ये अपूर्णता क्यों? अपूर्णता कैसी प्रिय? आप लौकिक रूप में कैलाश पर और मैं लौकिक व मानव देह में दक्ष प्रजापति के घर। मानव देह के कारण मानवीय गुण व कामनाएं भी हमारे साथ हैं देवी, किंतु तुम्हें इस सत्य का ज्ञान तो होगा ही कि हमारा ये लौकिक व अलौकिक रूप तथा जगत की संपूर्ण रचनाएं सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा व निर्वाह हेतु ही हैं। प्रिय शीघ्र ही लौकिक रूप में हमारा मिलन होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की रक्षा हेतु? हाँ देवी, हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्वामी
महारानी, राजकुमारी सती कहाँ है? वो शिव आराधना करने नदी तट पर गई है स्वामी। शिव आराधना? किसने कहा उसे शिव आराधना करने के लिए? शिव जी ने। वे सती के स्वप्न में आए थे। उस स्वप्न के बाद सती बदल सी गई है। ये नहीं हो सकता महारानी, दक्ष प्रजापति के होते हुए ये कदापि नहीं होगा। सती हमारी पुत्री है, उसके हितहित के विषय में सोचना हमारा कर्तव्य है, और सती के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, पुत्री सती। प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो, और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मैं ये पूजा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। तनिक सोचो पुत्री, तनिक सोचो। उस विचित्र वेशधारी कैलाश निवासी से तुम्हारा विवाह कैसे संभव होगा? एक प्रजापालक नरेश होते हुए हम स्वयं अपनी पुत्री को एक वैरागी के हाथों कैसे सौंप सकते हैं? जो पूर्व निश्चित है उसे आप विफल कैसे कर सकते हैं? मेरा जन्म ही देवेश्वर शिव की चरणों की सेवा के लिए हुआ है पिताश्री। ये तुम्हारा भ्रम है सती। स्वप्न की बातें कभी सत्य नहीं हुआ करती। तुम जो कुछ भी कर रही हो वो तुम्हारे भ्रम का परिणाम है। छोड़ दो, छोड़ दो ये सब व्यर्थ की बातें। नहीं पिताश्री, देवेश्वर शिव के प्रति ऐसा असम्मान न दिखाइए, ये उचित नहीं होगा। उचित अनुचित के तर्क में उलझकर तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का मोह भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम भावजवीर, अपने देवर नारद का प्रणाम स्वीकार करें। विराजिए देवर्षि। नारायण नारायण, मैं आपके लिए केवल देवर हूँ, देवर्षि नहीं। और ये क्या भावज, आप चिंता में डूबी हुई हैं? मुझे किस बात की चिंता है देवर जी? बस सती के बारे में सोच रही थी। सती? पता नहीं उसकी तपस्या कब सफल होगी। नारायण नारायण। भावज, सती तो शक्ति का अवतार है, शिव जी को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। अब उनकी प्रार्थना स्वीकार होने में अधिक समय नहीं लगेगा। सच कह रहे हैं देवर जी। क्या आपको अपने देवर से असत्य की अपेक्षा है? मैं तो असत्य से भागता रहता हूँ और भक्ति और जन कल्याण के मार्ग पर चलता रहता हूँ। ये क्या भावज, आप फिर सोच में डूब गई? क्या करूं, आपके भ्राता और मेरे स्वामी का रूखा व्यवहार देखकर तो कभी कभी भय लगता है। उनके रूखे व्यवहार के आपने अच्छी कही। उनका तो जन्म ही परम पिता ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से हुआ है। वो तो हर भली वस्तु को ठोकर मारने की सोचते रहते हैं। नारायण नारायण। और भगवान शिव जी का नाम लेते ही वो शिव 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 शिव। भगवान भोलेनाथ उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। महाराज की जय हो। लो, जिनका नाम लिया वो पधार भी गए। अब मैं चलता हूँ। ठहरिए ना देवर जी, तनिक आप ही इन्हें समझाइए। शिव 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 शिव। क्या ये हठी जीव समझाने से समझने वाले हैं?
नारायण नारायण। अरे नारद जी आप? नारायण नारायण। भ्राता नारद कहिए ना भैया, आपके मुख से भ्राता शब्द सुनने के लिए ही तो मेरा आगमन यहां हुआ है। कहिए भ्राता नारद, कैसे हैं आप? तो चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं, आपने हमारी शिव की धुन में खोई बेटी को भी कहीं देखा होगा। अब आप ही बताइए, क्या एक राजकुमारी को ये पागलपन शोभा देता है? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो ये बचपना छोड़ दे, अब वो विवाह के योग्य हो गई है। नारायण नारायण, वो विवाह के लिए ही तो शिव आराधना कर रही है, क्या आप इतना भी नहीं समझते? उसकी आराधना सफल होगी, भगवान भोलेनाथ के साथ उसका विवाह होगा, इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। भावज, आप क्यों व्याकुल हो रही हैं? होगा वही जो भगवान शिव शंकर को स्वीकार होगा। नारायण नारायण। मेरी सती का क्या होगा, क्या होगा मेरी सती का, मेरी सती का क्या होगा? मैं तुम्हें एक नहीं अनेक बार समझा चुका हूँ कि सती को शिव आराधना साधना करने से रोको। उसे समझाओ महारानी कि वो अपने मन में शिव के प्रति इतनी निष्ठा भक्ति जगाकर अनर्थ ना करे। जो स्वयं अपने होने का अर्थ जानने के प्रयास में लगा हो वो कोई अनर्थ कैसे कर सकता है? और रही बात सती को शिव की आराधना उपासना करने से रोकने की, तो स्वामी आराधना उपासना निष्ठा ये तो मन की भावनाएं होती हैं, और भावनाओं पर भला कोई कैसे अंकुश लगा सकता है? ये सब कहकर तुम हमारी अवज्ञा कर रही हो महारानी। मैं ऐसी धृष्टता कैसे कर सकती हूँ? धृष्टता? धृष्टता नहीं तो ये हमारी आज्ञा का पालन भी नहीं। महारानी, माँ होने के नाते अपनी संतान का शुभ अशुभ सोचना तुम्हारा कर्तव्य है, तो पथ भ्रष्ट होने पर उसे उचित मार्ग दिखाना तुम्हारा धर्म भी है। आप संभवतः उचित कह रहे हैं स्वामी, परंतु हमारी सती ना तो कोई अशुभ कार्य कर रही है और ना ही वो पथ भ्रष्ट हुई है, वो वही कर रही है जो उसके ज्ञान के अनुसार उचित है। तुम्हारा तात्पर्य है कि सती इस योग्य हो गई है कि उसे ज्ञान अज्ञान का बोध होने लगा है? नहीं महारानी नहीं, तुम्हारी ये सब बातें बुद्धिमता का परिचय नहीं दे रही। मैं आपके समान बुद्धिमान नहीं स्वामी, किंतु इतनी बुद्धिहीन भी नहीं कि। तुम्हारी बुद्धिमता के दर्शन तो इसी सत्य में हो रहे महारानी कि अपनी अन्य युवा कन्याओं की अपेक्षा तुम्हें केवल सती की चिंता अधिक रहती है। तुम्हारी ममता नेह स्नेह सती के प्रति अधिक है। ये आपका भ्रम है स्वामी, सत्य नहीं। शरीर को अपने प्रत्येक अंग से एक सा मोह होता है, पुष्पमाला को अपने प्रत्येक पुष्प से एक सा स्नेह होता है, मुझे भी अपनी हर संतान से एक सा। शब्दों को उपमाओं द्वारा अलंकृत करने की योग्यता तो तुम में है, ये मैं जानता हूँ महारानी, परंतु क्या तुम मुझे ये बताओगी कि सती के लिए शिव आराधना ही क्यों आवश्यक है? मैं कहता हूँ कि शिव की अपेक्षा श्री हरि विष्णु जी की आराधना भी तो हो सकती है। हो सकती है, परंतु केवल श्री हरि विष्णु की आराधना करने वाला शिव जी का प्रिय भक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव जी की आराधना करने वाला श्री हरि विष्णु का परम भक्त नहीं हो सकता। श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस हेतु श्री हरि विष्णु की उपासना करने वाले पर भोलेनाथ सदा प्रसन्न रहते हैं, और अजर अमर सदाशिव की उपासना करने वाला श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र होता है। महारानी, हमने तुमसे सती के मन में विवेक जगाने की बात कही थी, और उत्तर में तुमने ज्ञान भक्ति का पूरा अध्याय सुना डाला, परंतु एक सत्य ध्यान पूर्वक सुन लो महारानी कि हम सती की शिव भक्ति का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम उसका गुणगान कभी नहीं सुन सकते, हमें शिव से घृणा है, घृणा। शिव से घृणा और
स्नेह करना मनुष्य के वश में नहीं होता, वो भी केवल शिव की इच्छा पर ही निर्भर होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ति प्रेम पूजन में न जाने कहां और क्या कमी रह गई है जो मेरे आराध्य तक मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा। मैं इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहा जो अपने आराध्य से अलग होते हुए होती है। सती, धैर्य रखो सती, तुम्हारी प्रेम में तपस्या निरर्थक नहीं जाएगी, तुम्हारे स्वामी आएंगे, अवश्य आएंगे। ये सत्य कहती है पुत्री, तुम्हारे मन कामेश्वर अवश्य आएंगे, किंतु तभी जिस पल विधाता ने उनका आना निश्चित किया होगा। तो फिर मिलन की उस पल की प्रतीक्षा में मैं तब तक यहां बैठी रहूंगी जब तक मेरे स्वामी आकर मुझे स्वीकार न कर ले। पुत्री, ये बालोचित हट तुम्हें शोभा नहीं देती, चलो घर चलें। माते, आप तो स्वयं स्त्री हैं, किसी की पत्नी भी हैं, आप भी मेरी विरह जनित व्याकुलता को नहीं समझ पा रही। समझती हूँ पुत्री, किंतु तेरे पिता का क्रोध मुझे भयभीत कर रहा है, किसी अमंगल की कल्पना मुझे आतंकित कर रही है। हरचंद, नहीं माते। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। मंगल हो देवियों, मंगल हो। देवी सती, आपके लिए देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर का एक संदेश है। ठीक है देवर्षि। आपके और उनके विवाह के लिए जो बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए नंदाव्रत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नंदाव्रत? हाँ, मन चाह पति पाने की दिशा में नंदाव्रत एक सिद्ध उपाय है, यही महेश्वर का कथन है। देवियों, चाहे तो आप भी इसका प्रयोग कर सकती है। नारायण नारायण। इस व्रत को करने का विधि विधान क्या है? बताइए बताइए। हम लोगों को चिठोली सुन रही है और मेरे यहाँ प्राण जा रहे हैं। आप घर के लिए प्रस्थान करें और इन नटखट भैरों को भी अपने संग ले जाएं। किंतु हमें भी तो व्रत की विधि सीखनी है ना माते? हमें भी तो सीखनी है। जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। कल्याण हो। शीघ्र बताइए देव ऋषि, व्रत की विधि क्या है? बताइए देव ऋषि। नारायण नारायण। व्रत की बात शांतिपूर्वक सुननी होगी। देवियों, इतने उतावली मत बनो, मैं आपको व्रत की विधि अवश्य बताऊंगा, परंतु आप सबको मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या देव ऋषि? सबसे पहले देवी सती नंदा व्रत करेंगे और इनका व्रत पूर्ण होने तक आप सब इनकी हृदय पूर्वक सहायता करेंगे और व्रत की विधि का इन्हें स्मरण कराते रहेंगे, क्योंकि यह व्रत एक वर्ष में पूर्ण होगा और एक वर्ष तक तिथियों के अनुक्रम से विविध सामग्रियों से आपको भगवान महेश्वर का पूजन एवं स्मरण करना होगा। जागरण के साथ साथ उपवास भी करना होगा। अन्य विधियां आपकी बहनों को मैं अवगत करवा दूंगा, ये आपको स्मरण कराती रहेंगी। मुझ पर आपने जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी देव ऋषि। लेखा, लेखा। जी महाराज। तुम्हारी स्वामी कहाँ गई है? वो नदी स्नान को गई है महाराज। नदी स्नान? वो भी इस कुबेला में? नहीं नहीं, कदाचित भी राजकुमारी सती के साथ है, वो तो वहाँ नित्य जाती ही है ना। स्वामी नहीं आ गई महाराज? ठीक है, तुम जा सकती हो। महारानी, सती कहाँ है? वो अपनी बहनों के साथ संध्या भ्रमण के लिए गई है। संध्या भ्रमण? हाँ। या नदी भ्रमण?
हम सभी नदी तट पर थे, मैं, सती और उसकी बहनें। परंतु महारानी, मेरी अन्य पुत्रियां और तुम तो आ गई हो, सती को अकेली कहां छोड़ आई? मैं जानता हूं महारानी कि सती वहां क्या कर रही होगी। वो वहां शिव नाम के खिलौने बनाकर उनके साथ खेल रही होगी। स्वामी, ऐसी बातें मुख पर ना लाइए। शिव के प्रति सती की भावना को खेल ना कहिए। महारानी, ये माना कि सती की आयु अभी उचित अनुचित का भेद करना नहीं जानती, परंतु तुम उसे प्रोत्साहन दे रही हो। तुम उसे जानबूझकर ऐसी दिशा की ओर जाने की अनुमति दे रही हो जहां दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं। स्वामी, यदि आप उसके पिता हैं, तो मैं उसकी माता हूँ। मैंने 9 महीने उसे गर्भ में रखा है, पालन पोषण करके बड़ा किया है। क्या मैं अपनी पुत्री को सुखी देखना नहीं चाहती? महारानी, यदि ऐसा होता तो तुम स्वप्न में भी अपनी पुत्री के लिए ऐसे पति के विषय में ना सोचती जो गृहस्थ धर्म का पालन करना ही नहीं जानता, जो पर्वत श्रृंखलाओं पर बैठा भभूति रमाए बागम पर लपेटे अपने भयंकर गणों के साथ योगियों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हो। ठीक है महारानी, ठीक है, मैं अभी इसी समय सती को बलपूर्वक यहां ले आता हूं। नहीं स्वामी, नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, विधाता के लिखे को चुनौती मत दीजिए। सती की साधना भंग करके पाप के भागी मत बनिए। आपका ये एकमात्र पाप आपके जीवन भर के पुण्यों का फल आपसे छीन लेगा। चिंता छोड़िए स्वामी, और परिस्थितियों की नौका को समय की धारा में छोड़कर निश्चिंत हो जाइए और सती को उसकी आराधना करने दीजिए। स्वामी, सती को उसकी आराधना करने दीजिए। तेरी इस जीवन को गति, तेरी
सती। समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हुए। कहो दक्ष नंदिनी, किस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया? कहो अपनी मनोकामना। तुम अभीष्ट वर की अधिकारिणी हो। मुझे अभीष्ट वर प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्ष पुत्री, क्या इच्छा है? सर्वज्ञ सर्वव्यापी का अंतर्यामी मन सत्याम से छिपा नहीं। मैंने बाल्यकाल से पति रूप में आप ही की कामना की है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। सती, तुम्हारा और हमारा अभिष्ट भिन्न नहीं है। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी होगा। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। मेरे अभिष्ट और अपने वरदान की पूर्ति के लिए प्रभु, आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से संबंध को निश्चित कर विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। सती, अपनी चेतना में लौटाओ। पिताश्री, मैं तो पूर्ण रूप से चेतन हूँ। मेरी साधना की सफलता ने तो मुझे और चेतन कर दिया है, मुझे और चेतन कर दिया है पिताश्री। सती, प्रलाप बंद करो। अब तो आराम आरंभ हुआ है पिताश्री। दिव्य सुर और मधुर झंकार से पूर्ण आराम ने मुझे अर्धांगिनी स्वीकार करने का वरदान दिया है पिताश्री। मुझे वरदान दिया है। वरदान? तुम्हें अर्धांगिनी बनाने का? हा? क्या उस फर्स्ट लिप्ट देव को हम अपना जामाता बनाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। सती, हम ये वरदान फलित नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नंदव्रत का प्रयोग का सफल हुआ? ठीक तो बताओ ना सती, फिर हम भी अपने मन चाहे पति को पाने का प्रयास आरंभ करें। हाँ, मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिए और कहा वे शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध हैं। कहीं ऐसा ना हो। शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। सत्य और सुंदर स्वरूप भोलेनाथ, श्री शिव शंकर के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम। कैलाश में आपका स्वागत है ब्रह्मा जी। आपके लिए एक शुभ समाचार है। दक्ष पुत्री और आपकी पोत्री की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने का वचन दे दिया है। अपने और मेरे बीच इस नवीन संबंध के जुड़ने की सूचना देकर आपने मेरा मन प्रसन्न कर दिया प्रभु, मैं आपका अति आभारी हूं। इतना अधिक भी प्रसन्न मत होइए ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्रसन्नता आप तक ही सीमित रह जाए।
आपके कहने का तात्पर्य क्या है सदाशिव? आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का मन मुझसे विमुख है। इस विवाह के लिए उनसे स्वीकृति लेना अब आपका ही उत्तरदायित्व है। आप निश्चिंत रहिए शिवशंकर जी, वैसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा है। आपने मेरी पौत्री को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करके मुझे और सती दोनों को कृतार्थ किया है। मैं पुत्र दक्ष स्वयं अनुरोध करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस अनुरोध को आज्ञा मानकर इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे देंगे। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे ये कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। कदापि बाध्य नहीं कर सकती, कदापि नहीं। पुत्र दक्ष। पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिस शक्ति को अपना आराध्य समझती हूं उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। पिताश्री, शिव प्रेम के दंश ने सती को तो बुद्धि भ्रष्ट कर ही दिया है, परंतु उसकी मां अर्थात आपकी पुत्र वधु वीरनी की भी मति हर दिया है। पिताश्री, अब आप ही समझाइए इन माता पुत्री को। समझाने तो हम तुम्हें आए हैं पुत्र, इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, ये जानते हुए भी कि राजकुल में जन्मी पली बढ़ी आपकी पौत्री को इस विवाह से केवल कष्ट ही कष्ट होने वाले हैं। तुम्हारा ये सोचना सर्वथा अनुचित है दक्ष। तुम तो एक राजा, मात्र एक राजा। संसार के समस्त राजघरानों की वैभव संपदा को यदि तुम एक पलड़े में डाल दोगे तब भी भगवान शिव के वैभव और उनकी गरिमा का पलड़ा उससे कहीं अधिक भारी होगा। परमपिता, यदि आपका कहा मान भी लिया जाए तो भी विधि के अनुसार मुझे सती की अन्य बहनों का विवाह पहले करना होगा। उसका विवाह तो तभी हो सकता है जब मैं तुम्हारा अभिप्राय समझता हूं, परंतु सती आदिशक्ति का अवतार है और शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो या न हो तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र, वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो, स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधु और पौत्रियों तक पहुंचा दो जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है, मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाए जा रही। अरे सती, यूं मूलत का क्यों खड़े हो? नाचो गाओ मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर ने तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? मंगती, ये मात्र मेरी तपस्या का नहीं आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने में न जाने कितने योग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, नहीं।
महादेव क्या हुआ? ये गौर वर्ण पर शॉर्ट सी किशोरियों जैसी लालिमा कहां से आ गई? महेश्वर, कहीं आपने अपने अंतर मन में देवी सती को तो नहीं छुपा रखा? नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम। शिव शंभु, उस दिन आपने मुझे एक शुभ समाचार दिया था, आज मैं आपको एक समाचार दे रहा हूं। मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव शंकर की जय। देवी सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवी सती की जय। पुत्र ना, अब मैं उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा के सभी देवताओं को शिव सती विवाह में पधारने का आमंत्रण देती हूं। अवश्य अवश्य परमपिता, अवश्य मैं ये मंगल कार्य शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे जगदीश्वर, हे भक्त वत्सल, इस अकिंचन नारद का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा मंगल हो नारद, कहो कैसे आना हुआ? परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मैं आपको शिव सती विवाह के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। धन्य हो गए हम, यह सुनकर अति आनंद हुआ। प्रभु, सर्वत्र आनंद और हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ है, परंतु आशंका ये भी है कि विवाह उपरांत ससुर जामाता अर्थात राजा दक्ष और देवाधिदेव शिवशंकर के संबंधों में सुधार आएगा या नहीं? जीव या पदार्थ कोई भी हो, बड़ी कठिनाई से अपना स्वभाव छोड़ता है। अब विधाता के विधान गर्भ में क्या छिपा है, यह तो समय आने पर ही ज्ञात होगा। हे सर्वज्ञ, हे अंतर्यामी, सब कुछ जानते हुए भी आप अनभिज्ञ बन रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, इस शेष शैया पर देवी महालक्ष्मी कब विराजेंगी, तो क्या तब भी आप यही कहेंगे? विधाता जाने। नारद, सत्य तो यह है कि घटनाक्रम में कुछ नवीन मोड़ आने वाले हैं, उनके बाद ही देवी लक्ष्मी का आगमन संभव है। इस समय का घटनाक्रम ये कहता है कि हम शिव सती पुरुष और प्रकृति के अद्भुत मिलन का आनंद मनाएं। नारायण नारायण।
मैं अपनी पुत्री को वधू वेश में देखकर आ रही हूँ। कितनी सुंदर लग रही है वो, उसके मुख की शोभा तो देखते ही बनती है। हे प्रभु, मेरी पुत्री का मंगल करना, उसे परम सुख और सौभाग्य देना। ये क्या, आपकी पुत्री का विवाह है और आप प्रसन्न नहीं? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी और पिताश्री की इच्छा से हो रहा है, और मैं जानता हूं कि सती के मुख पर आज जो आभा है वो कल धूमिल पड़ी जाने वाली है। हमारी पुत्री को इस विवाह से केवल दुख और निराशा ही मिलने वाली है। ऐसे ऐसे अशुभ वचन न बोलिए स्वामी, प्रभु से प्रार्थना कीजिए हमारी पुत्री सदा सुखी और सौभाग्यवती रहे, उसका जीवन मंगलमय हो। त्रिपुरारी, वर वेश में तो आप इतने मोहक लग रहे हैं कि भ्राता दक्ष की अन्य कन्याओं को देवी सती के भाग्य से ईर्ष्या होने लगेगी। दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते आपको उनके अन्य कन्याओं की चिंता भी अधिक रहती है। नारायण नारायण, वो क्या है प्रभु, मैं और परमपिता ब्रह्मा वर और वधु दोनों ही पक्षों से संबंधित हैं, इसीलिए एक पांव यहाँ और एक पांव वहां। श्रीहरि, यदि कुपित न हो तो एक प्रश्न पूछूं। नारद, भक्तों से कुपित होने का तात्पर्य यह है हमसे हमारे भक्त वत्सल संबोधन का छिन जाना। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज महेश्वर भी अपना योगी रूप त्याग कर सांसारिक बनने की दिशा में उन्मुख हैं। श्रीहरि, आपको सांसारिक रूप में देखने के लिए देवी महालक्ष्मी को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? नारद, हर घटना का पता हमसे अधिक ब्रह्मा जी को रहता है, आप इन्हीं से पूछिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं, निकट भविष्य में किसका विवाह होगा, कौन वर होगा, कौन वधु? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद, बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हो। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रभु, शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभू। महाराज दक्ष प्रजापति, पुत्री सती के वधु बनने की आपको बहुत बहुत बधाई है। आज राजा दक्ष का वो स्वप्न पूरा हुआ है जो किसी कन्या के जन्म के साथ माता पिता के नायनों में जन्म लेता है। महाराज ने अपनी कन्या के लिए वर चुना भी तो कैसा, जिसका तीनों लोकों में कोई पर्याय नहीं,
अति सुंदर, मनहर, निर्मल, निश्चल, भोले शंकर। सती के पति के रूप में उन्हें पाकर आपका जीवन यथार्थ में पावन हो गया राजन। आपके मन की गति इस समय स्थिर ही नहीं होगी। हाँ, हमारे मन की गति इस समय स्थिर नहीं है श्रीमान। किसी को कुछ भी उसकी अपेक्षा के विपरीत यदि मिल जाए तो उसके मन की गति स्थिर रह भी नहीं सकती। पुत्री को योग्य वर मिल जाए, उसका जीवन मन भावन पति के संग हर्षोल्लास से व्यतीत हो, हर माता पिता की यही कामना होती है राजन। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम। नारद जी, हम तो समझे थे कि आप वर की ओर से विवाह में सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, मैं पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। जब पिताश्री शिवजी के साथी होने के नाते वर यात्रा की निकासी में गए तो मैं इनके पीछे पीछे चला गया, और अब आपके पिताश्री होने के नाते बारात के स्वागत हेतु जब यहाँ पधारे तो मैं इनके साथ यहाँ चला आया। परंतु जिस समय बारात यहाँ होगी उस समय किस और रहोगे नारद जी? नारायण नारायण। पिताश्री पिताश्री, बारात आ गई है। पधारिए पधारिए भ्राताश्री पधारिए। क्या ये वही शिव है जो भभूत रमाए नंग धड़ंग पैगंबर पर बैठा कैलाश पर योग साधता रहता है? अरे तो किसी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? अगर शिव और राजकुमार। नारायण नारायण। भ्राताश्री किस सोच में पड़ गए? अभी तो आपने प्रभु का वो रूप देखा ही नहीं जिसके दर्शन पाकर आप धन्य हो जाओगे। नारायण नारायण। शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? भ्राता दक्ष, आपका मुख श्वेत कणों से भर उठा है, आप भयभीत से लग रहे हैं। नारद, अति सुंदर है, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नारायण नारायण। नारायण नारायण। शिव लीला के चमत्कारों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं भ्राता दक्ष। आपके जमाता शिव ही नहीं सत्य और सुंदर भी है, और इसी सगुण रूप में वो दर्शन देते रहेंगे। Thank you.
मैं अभी अभी शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में देखकर आ रही हूँ। सती, तू जब शिव शंकर का बखान करती थी तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, परंतु आज देखा तो लगा तू कितनी सौभाग्यशालिनी है। अच्छा, पर ये तो बता, वर राजा है कैसे? उनके रूप स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है, पर जो देखा सो ये कि जिन्होंने हमारी भुवन मोहिनी सती का चित चुराया है वो कर्पूर गौरवर्णीय है। ऐसे विशाल सरस नेत्रों वाले हैं कि जिसमें संसार भर का प्रेम और करुणा निहित है। उनकी मंद मंद स्मित पल्लवित पुष्पों के समान सुवासित है और उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी प्रिय सती का वरण करने को आतुर है। सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी, बेटी सती, अब वो क्षण आ गया है जिस क्षण भाग्यशालिनी सौभाग्यशालिनी बन जाती है। आओ बेटी। शुभ हाथों से सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। Thank you.
सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दक्षता में अतिथियों के मान सम्मान की व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि 3 दिन कैसे व्यतीत हो गए आभास ही नहीं हुआ। धन्यवाद। सचमुच ये 3 दिन तो 3 पलों के समान व्यतीत हुए। दक्ष, जितने मनहर आपके जमाता शिव हैं, उतना ही सुंदर रहा आपका आतिथ्य सत्कार। सत्य है जगदीश्वर, आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब आपका क्या विचार है प्रभु? विचार? कैसा विचार देव ऋषि? यही कि दक्ष प्रजापति का आतिथ्य कुछ दिन और स्वीकार करे तो कैसा रहेगा। नारद, तुम तो दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते घराती भी हो और शिव की बारात में आए हो तो बाराती भी, परंतु किसी भी बारात का 3 दिन से अधिक वधू के पिता गृह में रुकना मर्यादा के विरुद्ध है। हम इसी समय ब्रह्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे बारात विदाई की तैयारी करें। चलो नारद। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि सती के पितामह होने के नाते अपनी पुत्री को जा माता शिव के साथ विदा करने का उपक्रम करें। श्री हरि, हमने आपके अनुरोध से पहले ही बारात विदाई का आदेश दे दिया है। पुत्र दक्ष, देखो अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री, यूं तो पुत्री सती की विदाई का पूर्ण प्रबंध किया जा चुका है, परंतु मैं स्वयं जाकर देखता हूं। श्री हरि, शिव शक्ति का यह युगल युग युगांतर तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुत्री सती, आज तुम पितृ ग्रह से इच्छित वर पाकर विदा हो रही हो। कैलाश जाकर कैसा जीवन व्यतीत करोगी, ये सोच सोच कर मेरा मन पिता होने के नाते चिंतित रहेगा। पिताश्री, आप मेरे सुखों के विषय से कभी शंकित मत होइएगा। पति के साथ रहते हुए आपको दिखाई देने वाले कष्ट मेरे लिए सुखकारी होंगे। पुत्री, तुम्हारा सुख सौभाग्य ही मेरा संतोष है। अपने स्नेह की गरिमा से अपने पति के जीवन को मंगलमय कर देना। चलो पुत्री, चलो। विदाई की वेला में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, आप पधारिए, मैं सती को लेकर आती हूँ। सदा सुखी रहो। बहन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई इसका हमें हर्ष है, किंतु तुम्हारे वियोग का दुख भी है। कैलाश जाके हमें भूल न जाना। रोहिणी, रोहिणी, तुम तो सभी सदा मेरे मन में रहोगी। तेरे बिना ये प्रांगण बहुत सूना सूना लगेगा सती। Yeah!
सती की, भगवान शिव शंकर की। माता सती, आपका कैलाश में स्वागत है। मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न। अब हमें आज्ञा दें शिव शंकर। ब्रह्मदेव, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे गृहस्थ पदभार भी वहन करना पड़ रहा है। अब तो आप प्रसन्न हैं? महेश्वर, आपने ऐसा करके संसार के लिए पति पत्नी का वो आदर्श प्रस्तुत किया है जो सृष्टि प्रसार और नर नारी संबंधी मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। श्री हरि विष्णु, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी निश्चित हैं। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सभी में जगत का कल्याण ही निहित है।